हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो आप पहले एक बार उसको देख लीजिए, देन आप पार्ट टू देखिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सर्किट डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसको बोलते हैं। सो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी इलेक्ट्रिक सर्किट की, दैट द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स हमारे पास कोई भी पाथ होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। इट मीन्स बीच में से वो कहीं से भी क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के जो पाथ होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो डायग्राम है वो आता है। यह आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। सो इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, बैटरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई है, बैटरी। देन ये हमारे पास जो ये हमने एरो शो कर रखी है, ये क्या शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को। ओके, ये किसकी डायरेक्शन शो कर रही है, आपकी करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पहली वाली वीडियो में बताया था, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। ओके, पॉजिटिव से जो करंट है वो स्टार्ट होता है एंड नेगेटिव तक आता है। देन ये वाले हमारे पास क्या है, जो ये बीच में जो ये लाइंस लगा रखी है, ये आपकी क्या है, कंप्लीट वायर्स। ओके, कंडक्टिंग वायर्स बोल सकते हो आप इनको, या फिर इलेक्ट्रिकल वायर भी बोल सकते हो। ओके, देन ये आपके पास क्या है, बल्ब। ये बल्ब है जो आपको इंडिकेट करेगा दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट। ओके, देन इट इज एमीटर, इट मेजर द अमाउंट ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड इट इज की और स्विच। ओके, इट इज की और स्विच विच हेल्प टू ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए हैं, बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक वायर्स, बल्ब, एमीटर, की, ये सारे क्या हैं, आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है एक सर्किट के अंदर। सो इनकी हेल्प से आप क्या है, कोई भी एक सर्किट का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 203 के ऊपर आपके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, आपकी एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर आपको दे रखे हैं कि हमारे पास, जैसे आप ये मान लो कि हमारे पास सिर्फ ये वाला सिंबल है बट हमें नहीं पता ये किस चीज का है। ये तो हमें पता है कि की है बट ये नहीं पता कि ये ओपन है या फिर क्लोज है। इट मीन्स जो सर्किट है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये हमें नहीं पता है। सो ये सब आप कहाँ से पता करोगे, जो आपकी टेबल दे रखी है वहां से आप लर्न करोगे कि कौन सा सिंबल हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो आप एक बार ये वाला देखो, इसके अंदर ये दे रखी है आपकी, ये देखो इसके अंदर आपकी जैसे फर्स्ट दे रखी है एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के लिए आप क्या यूज करोगे, सिर्फ एक पॉजिटिव टर्मिनल यूज करोगे एंड एक नेगेटिव टर्मिनल। देन बैटरी क्या होती है, आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मीन्स ये आपकी वन सेल हो गई, देन ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड। ओके, सो इस तरीके से आप ये, अगर हमारे पास बहुत सारे हैं, ये मान लो हमने चार पांच लगा रखे हैं, सो ये क्या हो गई, हमारी बैटरी। बट अगर हम सिर्फ एक लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, देन थर्ड वन इज प्लग की और स्विच। हमें देखो ये दोनों के दोनों स्विच के ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दोनों के दोनों स्विच के ही सिंबल है बट इसमें डॉट लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर डॉट नहीं लगा हुआ इट मीन्स स्विच क्या है, ऑफ है। ऑफ है इट मीन्स अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं क्या हो जाता है, हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है। और अगर हमारे पास स्विच ऑन है इट मीन्स बीच में डॉट लगा हुआ है तो ये क्या है, स्विच ऑन है। इट मीन्स जो हमारे पास सर्किट है उसमें से करंट है जो फ्लो हो रहा है। ओके, सो ये सारे के सारे सिंबल है जो आप अच्छे से लर्न करोगे और इसकी हेल्प से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक। सो इस नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले जो आपकी एक्टिविटी 12.1 दे रखी है उसको समझते हैं। इसके अंदर आपकी क्या दे रखी है, एक्टिविटी 12.1 के अंदर क्या किया है कि हमने इस तरीके की इलेक्ट्रिक सर्किट लगाई एक, उसके अंदर हमने क्या किया, एक हमने बैटरी लगा दी। ओके, अब बैटरी का मेन फंक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है ना, क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है जो कि हम वोल्टेज में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने लगा दी एक बैटरी सबसे पहले, चलो सेल लगा लेते हैं। ये मान लो देखो, जैसे छोटी सी सर्किट बना देते हैं यहां पर एक, और
इसके अंदर आप इस तरीके के ही इंस्ट्रूमेंट बना लेना सारे के सारे। ओके, यहाँ से आपका करंट फ्लो है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इनके अंदर क्या देखा, पहले हमने क्या किया, एक है जो सेल लगा दी, ठीक है, सेल लगाने के बाद करंट फ्लो होने लग गया, एमीटर से है क्या है हमने चेक कर लिया, मेजर कर लिया कि कितना करंट आया है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, एक और लगा देते हैं भाई, साथ में एक और ज्वाइन कर दी सेल, फिर उससे क्या हो गया, फिर से करंट फ्लो होने लग गया, फिर से करंट मेजर किया, अब फिर से क्या किया इन्होंने, एक और लगा दी। तो यहां से उन्होंने क्या चेक किया, जैसे जैसे हम सेल की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम जो वोल्ट है, वोल्टेज है, अगर हम वो इंक्रीज कर रहे हैं साथ साथ, तो उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो करंट है उसकी अमाउंट में भी चेंज आ रहा है। अब वो चेंज कैसे आ रहा है कि जितनी हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही करंट है जो इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये हमें कौन बता रहा है, एमीटर बता रहा है कि जो करंट है उसकी अमाउंट भी ज्यादा हो रही है। ओके, इट मींस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो हमारे पास करंट है वो भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट है जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, आपको यहां से ये बात लर्न करनी है। अब यहां से क्या होगा, फिर ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो वी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई के, करंट के, यहां से लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी है जो इंक्रीज हो रहा है। सो यहां से हम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई लिख सकते हैं। अब यही जो आपका ये इंक्रीज हो रहा है, जो ये रिलेशनशिप आ रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओम्स लॉ, क्या बोल रहे हैं उसको हम, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट देन द करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, और वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। ओके, दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं वैसे ही जो हमारा करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हम हटाते हैं हमेशा, तो इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा। अब इसको कॉन्स्टेंट की बजाय हमें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना कॉन्स्टेंट की जगह, तो यहां पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास आर, वी इक्वल टू आई आर, ये आपका थर्ड फॉर्मूला आ गया है इस चैप्टर का। ओके, एक हमने चार्ज का पढ़ा था ना, उसके बाद फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला पढ़ा, देन ये आपका थर्ड आ गया है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको। अब आर यहां पर क्या है, आर हमारे किसके लिए स्टैंड है, रेजिस्टेंस के लिए, आर इज स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। ओके, आर इज स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या बताया था, रेजिस्टेंस क्या बताया था इसके अंदर, कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होता है, एक आप ये मान लो एक फैक्टर होता है जो कि करंट की जो अमाउंट होती है उसको रेगुलेट करता है एक सर्किट के अंदर, और वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। ओके, रेजिस्टेंस आपका एक इस टाइप का फैक्टर है जो कि क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा विदाउट चेंजिंग, विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज। ओके, रेजिस्टेंस तब क्या बताया था कि करंट को फ्लो होने से स्टॉप करता है, एक टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेजिस्टेंस, यानी कि रजिस्ट करता है, जो रोकता है करंट को, यानी कि अगर ओवरफ्लो हो जाता है करंट का एक सर्किट के अंदर तो उसके लिए कौन करता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो हेल्पफुल करता है कि जो सर्किट है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो ना हो पाए, ठीक है। आप यहां से सिर्फ ये बात याद रखो रेजिस्टेंस के लिए, पहले तो क्या है करंट की जो अमाउंट है उसको क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा रेगुलेट, अब कि अगर मान लो ओवरलोड हो रखा है एक सर्किट के अंदर, ओवर जो करंट है उसका फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्ट करेगा कि सर्किट में से हाई जो करंट है वो फ्लो ना हो पाए, ताकि सर्किट डैमेज ना हो पाए,
ओके, और ये वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता है। आपको यहां से ये बात लर्न करनी है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। अब देखो जैसे ये वाला बताया था ना यहां से कि भाई हमने पहले सिर्फ एक सेल लगाई, देन दो लगा दी, देन तीन, उसके बाद फिर हमने क्या है करंट की मेजरमेंट की। सो यहां से अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप ये मान लो यहां से हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या है V, यहां पर हमारे पास I। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, ये मान लो यहां पर हमारे पास करंट है, ठीक है, 2 एम्पियर, 4, 6, 8 ऐसे। अब यहां पर क्या है हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास क्या है वोल्टेज है 4, 6, 8, 10। ओके, सो मान लो यहां पर जब वोल्टेज 4 थी तो करंट हमारे पास 2 था, लेकिन जैसे हमने वोल्टेज 6 की तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी कितनी आ गई 4। करंट अगर हम वोल्टेज को 8 करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। ये आपका रिलेशनशिप हो गया वी और आई के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, कि करंट और वोल्टेज आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ओके, ये है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इसके अंदर अब रेजिस्टेंस कैसे हम मतलब पता कर सकते हैं, आप ये मान लो कि ये क्या है आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, आप ये मान लो कि ये आपका कोई भी कंडक्टर है। इसके अंदर क्या है, ये किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है जो एटम से बनी होती है। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन से है, यानी कि यहां से अब जैसे इलेक्ट्रॉन से वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो हो रहे हैं तो क्या है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही फ्लो हुआ तो यहां पर क्या है इसके साथ थोड़ा सा क्या है कोलाइड कर गया, फिर थोड़ा सा आगे आया तो इसके साथ हो गया, अब आगे आया तो इसके साथ, देन इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे क्या है ये इन एटम्स के साथ कोलाइड करता चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स के साथ कोलाइड करता चलेगा। ये जो कोलिजन हो रहा है ना, ये जो कोलिजन हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो एक तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट ऐसे पास हो जाए, आप ये मान लो कि हमें कहीं पर जाना है, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, एक तो बिल्कुल जो वे है, जो हमारा रोड है वो बिल्कुल साफ है, यानी कि कोई भी ट्रैफिक नहीं है। बट एक टाइम पर आप ये मान लो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक है तो क्या है, धीरे 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 जा रहे हैं, ठीक है, और अगर कुछ भी ट्रैफिक नहीं है तो हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। सो सेम तरीके से यहां पर क्या है, जो करंट है, जो करंट का फ्लो है, अगर क्या प्रेजेंट है, ये एटम्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये पास होने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, जो इनको रजिस्ट कर रहा है, जो इनको रोक रहा है आगे जाने से, ठीक है, तो जो ये रोक रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रजिस्टेंस। इट मीन्स जितना ज्यादा रजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो जो ये वाला आपका फॉर्मूला है वी इक्वल टू आई आर, यहां से अगर हम आई को कैलकुलेट करते हैं तो आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, यानी कि जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इट मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप देखो रेजिस्टेंस ज्यादा है, इट मीन्स करंट कम फ्लो हो रहा है, यहां पर क्या है रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है, इट मीन्स करंट बहुत फास्टली फ्लो हो रहा है। ओके, सो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये आपके कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हो गई। इट इज, आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रजिस्ट टू फ्लो द करंट। ओके, सो ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। देन उसके बाद आपकी आती है इनकी यूनिट्स की बात। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो वोल्टेज होती है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी वो यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट। आई यानी कि करंट की आपकी कौन सी होती है यूनिट, एम्पियर। एंड अब रह गया आपका रेजिस्टेंस, सो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम। बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ इट्स यूनिट हैज ओम। ओके, और ओम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको ऐसे साइन बनाना है ऐसे करके और ऐसे, जैसे आप मैथ्स में पाई बनाते हो उसी टाइप का थोड़ा सा है,
ओके सो यहां से हो जाएगा आपका, ये क्या किसी यूनिट हो गई आपकी रेजिस्टेंस की, ओम बोलते हैं इसको। देन अगर हम यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां से देखो यहां पर ही देखो वी इक्वल टू आई आर। देन यहां से हमें अगर आर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा वी बाय आई, ठीक है वी बाय आई। ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ये ओम्स लॉ ही इस चैप्टर में से बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके उनको कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। सो अगर यहां पर हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर की क्या होती है आपकी ओम्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है आपकी वोल्ट, एंड आई की क्या होती है आपकी एम्पियर, ठीक है। सो ये आपकी हो गई, ओके। अब यहां से आप अगर वन ओम की बात करते हो, डिफाइन वन ओम, तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो डिफाइन वन ओम। सो डिफाइन वन ओम के अंदर क्या हो जाएगा, व्हेन ओनली वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज फ्लोइंग एंड द सर्किट गिव्स आउट अ वन एम्पियर करंट देन इट इज इक्वल टू वन ओम, ओके ओके। सो अब जो हमने ये वाले फॉर्मूले निकाले हैं, ये वाला मेनली दैट आई इक्वल टू वी बाय आर, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारे पास करंट है, जो करंट है वो सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बट रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि दो हमारे पास फैक्टर है जिनके ऊपर जो करंट है वो डिपेंड करता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझो, मान लो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमने ये बल्ब लगा रखा है। अब यहां पर मान लो ये हमने बैटरी लगा रखी है, सेल लगा रखी है, ठीक है। अब सेम तरीके से हमने क्या है, यहां पर भी एक सेल लगा रखी है और यहां पर भी हमारे पास क्या है, एक बल्ब लगा रखा है, ओके। सो यहां पर हमने क्या देखा कि आप ये मान लो कि भाई हमने क्या रखा है कि जो ये वोल्टेज जो हमने डाल रखी है, ये आप ये मान लो कि 100 की लगा लो, ठीक है 100 वोल्ट की है जो हमने एक सेल लगा रखी है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या है, हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, ठीक है। ये मान लो कि जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है वो यहाँ पर क्या है, ये मान लो कि 20 ओम का है, ठीक है 20 ओम का लगा दिया हमने। लेकिन इस वाले में हमने रेजिस्टेंस कितने वाला लगा दिया, आप ये मान लो कि 50 ओम का लगा दिया, ओके। सो दोनों के अंदर क्या है, वोल्टेज हमारी सेम है बट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारा डिफर कर रहा है। अब अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं तो देखो क्या आ जाता है इसके अंदर, आई की वैल्यू वी कितना है इसके अंदर 100 एंड आर कितना हो जाएगा 20। सो कितना हो जाएगा इसके अंदर, आई की वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर, ओके 5 एम्पियर हो गया। अब हम सेकंड केस के अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 पुट करो यहां पर, आर की वैल्यू कितनी है यहां पर 50, सो 50 पुट करो, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर। सो देखो बोथ केस के अंदर क्या है, जो करंट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, डिफर आ रही है, इसके अंदर 5 एम्पियर आ रही है और इसके अंदर 2 एम्पियर आ रही है, बट जो वोल्टेज है वो तो सेम है, ठीक है ना, वोल्टेज है वो तो सेम है तो करंट भी हमारे पास सेम आना चाहिए। सो इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगता है कि जो हमारे पास करंट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है उसकी वैल्यू है जो किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती बट रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, ओके हो जाएगा यहां तक। अब आया समझ में रेजिस्टेंस का रोल क्या है, ये करंट को क्या है, करंट के अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकता है और करंट के अमाउंट को डिक्रीज भी कर सकता है। ये बात आप याद रखना कि जो करंट है आपका वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इट मीन्स अगर करंट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, ओके दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना। सो अब इसके अंदर देखो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ी है, ओम। अब रेजिस्टेंस को हम आर से इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ओके जैसे हमने करंट को आई से रिप्रेजेंट किया था, वोल्टमीटर को सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वी से डिनोट किया था, सेम तरीके से हम रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे, ओके। और अगर हम इसके सिंबल की बात करते हैं तो हमारे पास सर्किट में कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये हमारे रेजिस्टेंस को शो करती है, ठीक है कि कितना रेजिस्टेंस है,
ठीक है। रेजिस्टेंस में देखो, जैसे रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा सा हो रखा है, रुकावटें आ रही है, यानी कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने के लिए कितना बीच में ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को ही हम क्या बोले, रेजिस्टेंस। ओके, अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है। डिवाइस क्या करती है आपकी, मेजर करती है कि जो सर्किट है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओम मीटर। ओम मीटर, ओके, ओम मीटर। अब देखो ओम मीटर तो क्या करती है, चलो एक ओम मीटर भी आते हैं और उसके साथ साथ एक और डिवाइस आती है आपकी रियोस्टेट। ओम मीटर तो क्या करती है कि कितना उसके अंदर प्रेजेंट है एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, वो मेजर करती है। बट रियोस्टेट क्या करता है, अगर चेंज करनी होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, चेंज करनी होती है एक सर्किट के अंदर, सो चेंज करने के लिए जिस हम डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट या फिर हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, इट वेरी और चेंज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। एंड रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ओममीटर। ये हमारे रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया और ये हमारे पास क्या है, इसकी एसआई यूनिट ओम। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और रेजिस्टेंस के लिए हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये वाला तो टॉपिक आपका यहां पर खत्म हो गया है ओम्स लॉ के अंदर। ओके, ओम्स लॉ आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एक और टर्म रह गई आपकी यहाँ पर, एक होता है हमारे पास रजिस्टर। जैसे आपने नाम सुन रखे होंगे ना कि भाई आपने जैसे फैन में तो नाम सुन रखा होगा कैपेसिटर, सेम तरीके से एक होता है रजिस्टर। आपने ये सुन रखा होगा ना कि फैन का कैपेसिटर खराब हो गया इसलिए खराब हो गया, हमारा फैन नहीं चल रहा है, तो सेम तरीके से आपका एक रजिस्टर होता है, यानी कि जो कि सर्किट के अंदर क्या करता है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टर। ओके, क्या बोलेंगे उसको हम, रेजिस्टर। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। ओके, अब जो साइज होता है उस कंपोनेंट का वो क्या हो सकता है, हमारा हायर भी हो सकता है, ठीक है। हायर रेजिस्टेंस इट मींस जो हमारे पास कंपोनेंट है वो कैसा है, पुअर कंडक्टर। कैसे डिफाइन करोगे इसको, हाई रेजिस्टेंस इट मींस उसमें से करंट है जो कम फ्लो हो रहा है, वो वाला फॉर्मूला याद रखना अपना, V इक्वल टू आई आर। यहां से आप I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, V बाई आर। अब इसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हाई है किसी कंपोनेंट के अंदर तो वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा। क्या होगा, पुअर कंडक्टर। क्यों होगा, क्योंकि उसमें से करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा, कम फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर। ओके, और एक इंसुलेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस। देखो एक तो हो गया एकदम लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस, और एक हो गया हाई रेजिस्टेंस। अगर लो रेजिस्टेंस है इट मींस वो कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, बट अगर उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है इट मींस वो क्या है, एक इंसुलेटर। बिकॉज अगर हाई रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट उसके अंदर बहुत ही क्या, बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला जो पार्ट है, पार्ट टू कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।